कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद भागनी सर में। तो आज हम करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 5 हमारा चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसकी एक्सरसाइज 5.3 में हम कर चुके हैं क्लास 14 तक कंप्लीट। ठीक है, तो आपने आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। तो समझिए देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप अभी तक आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी तो आपको ये क्वेश्चन अब बिल्कुल भी बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख लग रहा है बट इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। देखिए किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या किया गया है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क जिस डेट को बताया है कि इस दिन कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी रखी हुई है। ठीक है, देखिए पेनल्टी किस तरीके से रखी हुई है। ये कह रहा है अगर आपके पास जिस डेट को बोला गया है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट डे की पेनल्टी होगी वो 200 रुपीज होगी। ठीक है, और सेकेंड डेज की जो पेनल्टी होगी वो होगी 250 रुपीज एंड थर्ड डेज की जो पेनल्टी होगी वो 300 रुपीज की पेनल्टी होगी। इसी तरीके से जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज करके क्या होगी, पर डे इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आप क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहा था ये 30 डेज लेट हो गया है। कितना हो गया है, 30 डेज का डिले इसमें हो चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी पेनल्टी इसमें पड़ेगी। मीन्स ये कह रहा है कि जो 30 डेज की जो पेनल्टी हुई है उसका सम आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 30 डेज की पेनल्टी हुई है वो टोटल कितनी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, आपको 30 डेज की पेनल्टी का सम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है, आप देखेंगे कि फर्स्ट डे पेनल्टी हमारे पास क्या है, फर्स्ट डे की पेनल्टी ये है हमारे पास 200 रुपीज। ठीक है, फिर इसी तरीके देखिए सेकंड डे की पेनल्टी कितनी है, 250 रुपीज है। थर्ड डे की कितनी है, इसी तरीके से 300 रुपीज है। अब मेरे पास एक बात बताइए आप कि अगर मैं इसी तरीके से 30 डेज तक पेनल्टी में 50 रुपीज एड करते जाऊंगा तो क्या होगा, मैं इस पेनल्टी का एक देखता हूँ एपी बना कर देखता हूँ कि एपी बनता है या नहीं बनता है। बट आपको पता है कि पेनल्टी यहाँ पर एपी जरूर बनेगी। क्यों, क्योंकि 50-50 का ही गैप हमारे पास आ रहा है। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। 50 यहाँ पर किसका काम करेगा, कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो देखिए हमने बनाया फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, फिर आ गया 250, फिर आ गया 300, इसी तरीके से जाते रहेगा। और हमको कहाँ तक निकालना है कि 30 डे तक निकालना है। ठीक है, तो n इक्वल टू तो 30 हो गया, ये कंफर्म हो गया। फर्स्ट डे की पेनल्टी हमारे पास 200 है, सेकंड डे की पेनल्टी हमारे पास 250 रुपीज है, थर्ड डे की 300 रुपीज है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, हमने कितने तक निकालना है, 30 डेज तक निकालना है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 30 हमारे। और वैल्यू ऑफ ए तो आप चेक कर सकते हैं कि 200 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, और डी तो बहुत इजी है निकालना, आप 250 में से 200 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस डी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। अब इजीली आपको क्या करना है, 30 डेज की जो पेनल्टी है उसका सम कैलकुलेट करना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इजिली अप्लाई कर लेंगे। तो n की वैल्यू हमने 30 रखनी है तो रख लीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं इसे। तो जाएगा n 30 इज इक्वल टू n बाय 2 मींस 30 बाय 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई a, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी मींस 200 रुपीज प्लस n अभी हमने बताया कि ये हमारे पास है 30 एंड माइनस 1 हमने कर लिया मल्टीप्लाई बाय d इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज का उसमें पर डे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ डी। तो 2 का डिवाइड करेंगे 30 पर तो इजीली आप इसको इजी कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 400। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इस तरीके से 29 मल्टीप्लाई बाय 50 हमारा इस तरीके यहां तक वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एस 30 अगर हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा 400 प्लस, अगर आप 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1450, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 15 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 1850, और 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 27750। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कि अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन वर्क में 30 डेज का डिले होता है तो उसके पास जो पेनल्टी होगी वो हो जाएगी 27750 रुपीज़। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा आपको लग रहा है बट सॉल्यूशन करने में बहुत ईजी है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसको किस तरीके से हमने एपी में यूज करना है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, वहां पर आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अ सम ऑफ ₹700। देखिए 700 रुपीज आपके पास टोटल है, आपको क्या करना है, इसे यूज करना है कहां पे, आपको 7 कैश प्राइज देने हैं, आपको 7 कैश प्राइज देने हैं, 700 रुपीज आपके पॉकेट में है टू स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ कैश प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइज। आपको वैल्यू ऑफ प्राइज कैलकुलेट करना है। देखिए आपकी बात है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझिए पहले। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपके पास 700 रुपीज है, इस 700 रुपीज को आपको 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि कैसे भी इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर डिवाइड करने का एक रूल दिया हुआ है कि आपको जो फर्स्ट प्राइज आप जिसे देंगे तो सेकंड वाले को उससे 20 रुपीज कम देंगे, थर्ड वाले को सेकंड वाले से 20 रुपीज कम देंगे, और जो फोर्थ होगा उसको थर्ड वाले से 20 रुपीज कम देंगे। मीन्स आपको 20-20 रुपीज कम करते हुए जाना है और आपको बताना है कि जो फर्स्ट प्राइज होगा वो कितना होगा, सेकेंड प्राइज जो होगा वो कितना होगा, थर्ड प्राइज, इस तरीके से 7 प्राइज की जो वैल्यू होगी वो आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इसे करते हैं किस तरीके से डील किया जाता है, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। सपोज मेरे पास हम कहते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है, सपोज मैं मान के चलता हूँ कि जो फर्स्ट प्राइज है वो ए है, ठीक है, तो सेकेंड प्राइज बताएंगे क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइज हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइज से 20 रुपीज कम है ना, तो ए माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए है, उसके बाद a माइनस 20 है, फिर इससे कम होगा तो a माइनस 40 हो जाएगा, फिर a माइनस 60 हो जाएगा, फिर a माइनस 80 हो जाएगा, फिर a माइनस 100 हो जाएगा, और a माइनस 120 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 प्राइज हैं जो हमने डिवाइड कर दिए हैं। मीन्स फर्स्ट वाले को मिलेगा a, सेकंड वाले को मिलेगा a माइनस 20, थर्ड वाले को मिलेगा a माइनस 40, फोर्थ वाले को a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100 और a माइनस 120। इस तरीके से हमारे पास ये मिल जाएगा सारा वैल्यू, हमने अरेंज कर दिया। अब आप अगर देखेंगे तो ये एक एपी के अंदर है, आप खुद सोचिए कि आपके पास जब आप क्या कर रहे हैं, बाद वाले को जो प्राइस देते जा रहे हैं वो प्राइस पहले वाले से क्या है, गैप सब में 20-20-20 है। इट मींस क्या है, ये एपी तो है ही हमारे पास, क्यों, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 20 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं किस तरीके से कि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो ये हो गया और लास्ट टर्म हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया है फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं an, या इसे कभी कभी हम l भी लिख देते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी टोटल जो वैल्यू है मीन इन सब प्राइस का जो सम है वो हमको पता है कि हमारे पास कितना है, ए सेवन की वैल्यू, सॉरी एस एन की वैल्यू जो है, जो हमें टोटल हमें ऐड करना है, एस सेवन की वैल्यू हमारे पास 700 रुपीज है, क्योंकि हमने 700 रुपीज को डिवाइड करना है 7 लोगों में। ठीक, आप किस तरीके से इसे किया जाएगा, देखिए एन की वैल्यू भी आपके पास 7 आ गई है, ए की वैल्यू जहां पर लिखनी होगी वहां पर ए लिखेंगे, और जहां पर एन ए एन या एल लिखना होगा वहां पर लिखेंगे इतना वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, बट मुझे लगता नहीं कि जितना अभी तक हम इस एपी को, जो मेरे वीडियोस को, हमारे इस चैनल की वीडियोस को देखते हुए अभी तक आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि उसे यहां पर कोई भी कंफ्यूजन होगा। तो अब सीधा से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला एक सम का और है, इसे आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास कितना है, 700 रुपीज है,
एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है अपॉन 2, और ए हमारे पास कितना है, देखिए ए आप लिखिए, ए हमारे पास है ए, और एल की वैल्यू जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है ए माइनस 120। ठीक है, तो ये 7 से देखिए ये हो जाएगा 100 टाइम्स कैंसिल, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, एंड ये हमारे पास मिल जाएगा 2a-120। और ये वैल्यू अगर हम लिखें इधर तो 2a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 200 + 120, तो 2a की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गई है, 320 वैल्यू आ गई है। एंड द वैल्यू ऑफ a अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये बहुत इजी, देखिए 160 मेरे पास आ गया है। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू मेरे सामने आ गई है। ये हमने क्या लिया था, हमने क्या कंसीडर किया था, ये हमने कंसीडर किया था कि जो फर्स्ट प्राइस होगा उसकी वैल्यू, तो वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, 160 आ रहा है। तो फर्स्ट प्राइस तो हमारे पास हो जाएगा 160। सेकंड प्राइस क्या होगा, इसे 20 रुपीज कम कर लीजिए तो 140, फिर 20 रुपीज कम कर लीजिए 120, फिर 100, फिर हमारे पास 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक चलेंगे केवल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्राइस की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है। इन सबका अगर आप सम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके सामने आंसर कितना आएगा, 700 रुपीज आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आ रहा है तो जरूर इसे आप लाइक करिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को हम किस तरीके से डील करते हैं। सो स्टूडेंट्स समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये क्या दिया हुआ है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो किसी स्कूल में बच्चे हैं, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हम क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे, पेड़ लगाएंगे स्कूल पे, और स्कूल के बाहर जितने भी उसके पास ग्राउंड में जो भी जगह होगी जहां भी, तो वहां पर ये क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड, तो क्या डिसाइड किया गया, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब इसे कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो फर्स्ट क्लास क्या करेगी, 1 पेड़ लगाएगी, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स 2 पेड़ लगाएंगे, मतलब जो उनकी क्लास है उस हिसाब से उन्होंने क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। थर्ड क्लास वाले 3, फोर्थ क्लास वाले 4, फिफ्थ क्लास वाले 5, सिक्स्थ क्लास वाले 6, इस तरीके से आपका जो स्कूल है वो फर्स्ट टू 12 तक है, फर्स्ट टू 12 तक आपका स्कूल है। इस स्कूल में स्टूडेंट्स ने क्या करने, ट्री लगाने। देखिए मैं आपको एक कॉलम से समझाऊंगा, इससे समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और कही है इसने कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, एक क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, समझ में आया, एक क्लास में जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, एंड थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास क्लासेज हैं सबके क्या है, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं इसको हैंडल आपको करना बताऊंगा, क्या आपको कैसे करना है इसे। ठीक है, तो ये आप बताइए जो फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में कितने पेड़ लगाने हैं, एक लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट होंगे एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। ठीक है, तो बताइए टोटल पेड़ कितने लगेंगे, मुझे बताइए फर्स्ट क्लास में जो ट्री लगाने हैं 1 लगाने हैं, और उसके पास फर्स्ट में कितने सेक्शन हैं, 3 हैं, तो टोटल ट्रीज कितने लगेंगे, एक सेक्शन, तीनों सेक्शन वाले एक एक पेड़ लगाएंगे, तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स यहाँ पर टोटल कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाइए, यहाँ पर कितने ट्री लगाने हैं, 2 लगाने हैं, सेक्शन इसके पास भी 3 है, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगेंगे सेकंड क्लास के बच्चों के द्वारा, 6 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर देखा कि नंबर ऑफ ट्री कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं, सेक्शन कितने हैं, वो भी 3 हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 4 का निकालना है तो यहाँ पर 4 ट्री लगेंगे, 4 स्टूडेंट्स का ईच सेक्शन 4 ट्री लगाएगा, और सेक्शन कितने, 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लग जाएंगे, 12 लग जाएंगे। इसी तरीके से आप सारे क्लासेस का निकाल सकते हैं, बट मुझे एपी बनाना है तो मैं सबको ना लिख के मैं सीधा क्लास क्लास का लिखता हूँ। मुझे एक फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, लास्ट वाला चाहिए। फर्स्ट वाला ए की वैल्यू बताएगा, से और फर्स्ट सेकंड की वैल्यू निकाल के मैं क्या करूँगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, और ये मुझे लास्ट वाला टर्म बताएगा, तो मेरे लिए जो सम ऑफ एनथ टर्म है वो फॉर्मूला बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने पेड़ लगाएंगे, 12 लगाएंगे, सेक्शन यहाँ पर 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगेंगे, 36 लगेंगे।
ठीक है। आप देखिए ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो क्या आ गए हैं, वो आ गए हैं 3, 6, 9, 12 एंड कहां तक, 36 तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक करके देख लीजिए, ये हमारे पास एक एपी आएगा। आप देखिए इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, 3, इनका कॉमन डिफरेंस 3, इनका कॉमन डिफरेंस 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज किसमें आ गए, एपी के अंदर आ गए हैं। अब आपको निकालना है इनका सम, तो कितने टोटल पेड़ हमने लगाने हैं उसका सम निकालेंगे, उनकी संख्या निकालेंगे। तो मीन्स ए इक्वल टू हमारे पास 3 है एंड डी इक्वल टू भी हमारे पास 3 है, और जो ए एन है जिसको हम एल बोलते हैं लास्ट टर्म, वो हमारे पास 36 है, ठीक है। तो इजीली क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, और ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n, देखिए हमारे पास कितनी क्लासेज हैं, क्लासेज हमारे पास कितनी है, 12 हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 12 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा s 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2, और हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a, द वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n इक्वल टू 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 6 प्लस 12 में से आप 1 को माइनस कर लीजिए, 11, 11 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 3 इज 33, और ये हमारे पास जो एस 12 की जो वैल्यू आ रही है वो 6 मल्टीप्लाई आ रही है 39, तो 6 मल्टीप्लाई 39 हमारे पास आ गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 233। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे वो क्या हो जाएगा, 234 नंबर ऑफ जो टोटल और ट्रीज होंगे वो इतने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा एक ग्राफ द्वारा मैंने आपको ये क्वेश्चन को समझाया है, और इससे आप अगर समझ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 17 तक ही कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर है 18, 19 एंड 20 वो कंप्लीट हो जाएंगे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको आज की अगर वीडियो लगी है, अच्छी लगी है, तो आप जरूर इसे एक बार आप लाइक कीजिएगा। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी चैनल को करना है, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपसे रिलेटेड जो भी वीडियो बनेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।